हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ मार्क्स हासिल किए हैं, वो मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और फुल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके लिए हम एक चार्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि हमें ये बताए कि किसका मार्क्स कम है, किसका मार्क्स ज़्यादा है। केवल चार्ट देख करके हमें ये पता लग जाए, कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं। आइए समझते हैं ये कैसे करेंगे। इंसर्ट टैब में आपको मिलता है चार्ट का ऑप्शन, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये चार्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अपने आप देख रहे हैं कॉलम चार्ट बन करके आ गया, और इस चार्ट को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसका कितना मार्क्स रहा होगा या कितना मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे रखता हूँ, दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आप इस चार्ट में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, इसको स्विच रो एंड कॉलम, तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये अब हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है और स्कोर कार्ड है वो एक पर्टिकुलर कलर में आ चुका है, ठीक है, और ये स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए, ये नीले कलर में जो है ये राम है और ये रेड कलर में श्याम है, ठीक है। तो ये देखिए, श्याम के ये मार्क्स हैं, ठीक है, राम से तो ज़्यादा हैं, ठीक है, और इनसे भी ज़्यादा हैं। ये कौन है? सचिन है। और इनसे भी ज़्यादा हैं गौतम से भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है? यहाँ पे देख सकते हैं राजू का मार्क्स सबसे ज़्यादा है, ओके। और सबसे कम आई होप कि ये इन्हीं का है, उमेश का, ठीक है। तो ये देख करके ही आप बता सकते हैं, और इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहें, चार्ट में परिवर्तन करना चाहें, तो यहाँ से आसानी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलम चार्ट है, आप यहाँ पर जा करके कोई और चार्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसके लिए। वैसे कॉलम चार्ट ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो भी आपको ये इस तरीके से पता चल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।